रेलवे यात्री शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली रेल मदद ऐप यात्रियों को मोबाइल फोन या वेब के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। साथ ही ऐप में फोटो अपलोड करने का विकल्प भी है। एक बार जब यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर लेता है तो उसे भारतीय रेलवे द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचित करने हेतु SMS के माध्यम से एक त्वरित ID प्राप्त होती है। साथ ही रेल मदद ऐप यात्रियों को उनकी शिकायतों के निवारण की स्थिति पर रियल टाइम फीडबैक देता है। इस ऐप पर विभिन्न हेल्पलाइन नंबर भी प्रदर्शित होते हैं, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, सुरक्षा नंबर तथा इसके अतिरिक्त एक आसान चरण में तत्काल सहायता के लिए सीधे कॉल करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इंटरनेट से इस जमाने में अब रेलवे तक अपनी शिकायत पहुंचाना बेहद आसान है। इसके अलावा आप अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत इसके जरिए कर सकते हैं। सफर के दौरान यात्री पानी, बिजली और साफ सफाई के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए यात्री को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जिसमें शिकायत संबंधी डिटेल, घटना की तारीख, कर्मचारी का नाम, घटना स्थल इत्यादि की जानकारी देनी होती है। यात्री इसमें अपनी शिकायत विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने वर्ष 2021-22 में रेल मदद पोर्टल पर कुल 29,087 शिकायत प्राप्त किया तथा सभी का निस्तारण समय से किया गया। 39,087 शिकायतों के निस्तारण के उपरांत यात्रियों द्वारा कुल 17,605 फीडबैक प्राप्त हुए, जिसमें से 11,766 उत्कृष्ट फीडबैक रहा, अर्थात कुल 66.83% उत्कृष्ट रहा। और पूर्वोत्तर रेलवे का प्रति शिकायतों के निस्तारण का औसत समय मात्र 12 मिनट रहा। रेल मदद ऐप शिकायतों के निस्तारण के मामले में भारतीय रेल के सभी जोनों में पूर्वोत्तर रेलवे का प्रथम स्थान है, जिसके लिए रेलवे बोर्ड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे को रेल मदद सील 2022 प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे यात्री प्रधान रेलवे है और यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी मदद के लिए रेल मदद ऐप भारतीय रेल ने डेवलप किया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से या रेल मदद पोर्टल के माध्यम से या 139 रेल मदद हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से यात्री सीधा रेलवे से जुड़ सकते हैं और अपनी शिकायतें, सुझाव रेलवे को दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत हो, किसी भी तरह का सुझाव हो, रेलवे को दें, उस पर रेलवे विचार करती है। पूर्वोत्तर रेलवे निरंतर जो यात्रियों से प्राप्त शिकायत हैं उनके निस्तारण के लिए लगातार बेहतर कार्य कर रही है। पहले ऑन एन एवरेज एक शिकायत जो रेल मदद पर मिलती थी उसके निस्तारण का समय अगर मैं 2020 की बात करूं तो लगभग 4 घंटे से 5 घंटे होते थे। उस पर लगातार मॉनिटरिंग की गई और लगातार इस पर जो हमारे मंडल की टीमें हैं, हेडक्वार्टर की टीमें हैं, इन्होंने वर्क किया, जिसके फलस्वरूप अभी ऑन एन एवरेज 10 से 12 मिनट किसी एक शिकायत के डिस्पोजल में लगता है। पूरे भारतीय रेल में पूर्वोत्तर रेलवे ने सबसे फास्ट डिस्पोजल किया है शिकायतों का, सबसे तेज़ी से निस्तारण किया है, जिसके फलस्वरूप इस बार भारतीय रेल स्तर पर जो शील्ड मिलती है रेल मदद की वो पूर्वोत्तर रेलवे को मिल रही है। और यात्रियों की जो शिकायतें आती हैं उस पर हम लोग काम करने के बाद उनको मैसेज भी जाता है, जिस पर यात्रियों का फीडबैक भी प्राप्त होता है। तो पिछले अगर वित्त वर्ष की बात करें तो लगभग 39,000 शिकायतें अलग अलग कैटेगरी की प्राप्त हुई, जिनको जैसा कि मैंने बताया एवरेज टाइम लगभग 10 से 12 मिनट के बीच में हम लोगों ने उसको डिस्पोज ऑफ किया, उसका निस्तारण किया। और उसके बाद जिन लगभग 17,000 यात्रियों ने उस पर अपना फीडबैक भी दिया, जिनमें से 70% से ज़्यादा फीडबैक जो हमको प्राप्त हुए वो एक्सीलेंट कैटेगरी के फीडबैक प्राप्त हुए, जिससे यह पता चलता है कि जो हम लोगों ने डिस्पोजल किया शिकायतों का उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और लगातार पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों के बेहतर सुविधा के लिए और सेवा के लिए कार्य कर रही है। किसी को भी अगर किसी प्रकार की शिकायत हो तो आप इस ऐप के माध्यम से, रेलवे की हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से या रेल मदद के माध्यम से हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। रेलवे सीधे आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का पर विचार करके उसका निस्तारण करें। तो इस बार सबसे तेज़ी से निस्तारण करने के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे को भारतीय रेल स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, जो रेलवे वीक अवार्ड
समारोह होता है भारतीय रेलवे के स्तर पर, उसके अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे को रेल मदद की शील्ड दी जाएगी।